अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लौकी और पनीर की सब्जी की रेसिपी, जो कि बनाना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान तरीके से बना के दिखाऊंगी। तो चलिए गाइस, बनाना शुरू करते हैं। आप लोग पूरी वीडियो में बने रहना। लौकी और पनीर की सब्जी बनाने के लिए मैंने इधर एक लौकी ले लिया है, ये 500 ग्राम से थोड़ी सी कम है। मैंने छील के रख लिया है, छील के धो लिया है। अब इसको काटेंगे छोटे छोटे पीस में। इधर हमने पनीर लिया है, ये आधा किलो पनीर है। मैंने पनीर को मैंने पानी में डाल के रखा है ताकि ये सूखे ना। वैसे फ्रिज में रख दो तो सूख जाती है, इसे पानी में डाल के, साफ पानी में डाल के आप फ्रिज में रख दोगे तो पनीर सूखेगी नहीं, बिल्कुल ताजी रहेगी। तो चलिए गाइस, लौकी को काट के तैयार करते हैं। छोटे पीस में इसको काट लेते हैं। लौकी हमने छील लिया है, छिलके सारे उतार दिए हैं। इसको दो भाग में कर लेती हूँ। मैंने बिल्कुल कच्ची लौकी लिया है। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है गाइस, आप लोग एक बार जरूर बना के खाना। मेरी तरीके से आपको बहुत पसंद आएगी, बच्चे भी शौक से खा लेते हैं ये वाली सब्जी। सारी लौकी इसी तरीके से काट लेते हैं छोटे छोटे पीस में। देखिए गाइस, लौकी को हमने काट के तैयार कर लिया है, बिल्कुल छोटे पीस में काटा है। लौकी को आप जब भी बनाना हो तभी काट के रखना, एक दो घंटे पहले काट के मत रखना, वरना ये काली पड़ जाती बहुत जल्दी। देखिए गाइस, सब्जी बनाने के लिए मैंने इधर कुकर चढ़ा दिया गैस के ऊपर। अब सबसे पहले इसमें एक छोटा चम्मच तेल डाल देती हूँ। अब ये तेल हमारा गर्म हो गया है, एक छोटा चम्मच इसमें जीरा डाल देती हूँ। देखिए गाइस, जीरा हमारा हो गया है। इधर मैंने लौकी को एक बार पानी से और धो लिया था काटने के बाद, फिर ये साफ पानी में रख दिया था ताकि ये काली न पड़े। अब ये पानी समेत डाल देती हूँ इसमें। बिस्मिल्लाह, लौकी डाल के कुकर को ऐसे इस तरीके से हिला देना है पकड़ के, ताकि ये जीरा मिक्स हो जाए। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालना, मुझे बाद में भी डालना है सब्जी बनाने के टाइम, इसीलिए कम ही डाल रही हूँ, इतना हाफ चम्मच है ये। थोड़ा सा एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देती हूँ ताकि सब्जी में अच्छा सा कलर आए। थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देती हूँ, ये दो चुटकी है, ज़्यादा मैंने नहीं लिया है। अब सारे मसाले हमने डाल दिया है जितना डालना था, और कुछ भी नहीं डालना है। अब सब्जी को गलाना है सिर्फ लौकी को। ये मिक्स हो गई है, मैंने अच्छे से हिला दिया इसको। अब कुकर पे ढक्कन लगा देती हूँ। कुकर का ढक्कन हमने लगा दिया है, इसमें 4 से 5 सीटी आने देते हैं, उसके बाद सब्जी हमारी गल जाएगी, बाद में दिखाते हैं आपको। देखिए गाइस, कुकर को मैंने दूसरी साइड रख दिया है। अब इधर हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं, जितने भी मसाले डालना है अभी दिखाते हैं आपको। सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाल देना है। अब तेल को अच्छे से गरम करना है। तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है। मैंने इधर एक बड़ी साइज की प्याज ले लिया था, इसको बिल्कुल बारीक काट लिया लंबाई में। अब सबसे पहले प्याज को फ्राई कर लेते हैं। इसको हम सब्जी में बाद में डालेंगे, आपको नहीं डालना तो स्किप भी कर सकते हो, पर ये सब डालने से सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी गाइस। एक बार ट्राई जरूर करिएगा मेरे कहने से, आपकी सब्जी बहुत परफेक्ट बन के तैयार होगी। अब प्याज हमारी फ्राई हो जाए, हल्का सा कलर इसका चेंज हो जाए, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए, बस निकाल लूंगी। अब प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है, सारी प्याज को बाहर निकाल लेते हैं। प्याज का ज्यादा कलर नहीं चेंज करना है, वह हल्की सी फ्राई हो जाए, हल्का सा कलर आ जाए इसे। अब प्याज को फ्राई करके मैंने निकाल लिया है। इधर हमने 2 शिमला मिर्च ले लिया है, मीडियम साइज के लिया था, इसको चौकोर में इसे काट लिया मोटे मोटे पीस में। अब इसे भी फ्राई करते हैं। शिमला मिर्च को थोड़ा सा पका लेंगे ताकि सॉफ्ट हो जाए। मैंने मोटे मोटे पीस में काटा है, इसी तरीके से काट के डालना होता है सब्जी में। अब ये शिमला मिर्च हमारी फ्राई हो गई है, इसे निकाल लेती हूँ। देखिए गाइस, मैंने सारी चीजें फ्राई करके रख लिया है। इधर शिमला मिर्च है, ये प्याज है, थोड़ी सी 3 से 4 हरी मिर्च है, ये बीच से मैंने फाड़ लिया था, इसे भी फ्राई कर लिया है। इधर 2 टमाटर मैंने काटा था ऐसे लंबाई में, इसे भी फ्राई कर लिया है। सारी चीजें हमने फ्राई कर लिया है जितनी भी सब्जी में डालना है। अब चलते हैं सब्जी के लिए मसाले की तैयारी करते हैं। अब तेल हमारा गर्म है, उसी तेल में हम थोड़े से खड़े मसाले डाल देते हैं। गर्म मसाले ले लिए हैं। अब ये खड़े गर्म मसाले हमारे हो रहे हैं। एक छोटा चम्मच जीरा डाल देती हूँ।
अब ये सारे मसाले हो जाएं, जीरा हमारा चटकने लगा, उसके बाद में बाकी के मसाले डालूंगी। उसी तेल में बना रही हूँ जिस तेल में मैंने सारी चीजें फ्राई किया है। अब जीरा हमारा हो गया है, मैंने एक छोटी साइज की प्याज बारीक काट के रख लिया था, इसे भी डाल देती हूँ। प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई करते हैं। अब प्याज हमारी फ्राई हो गई है, मैंने इधर एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है, इसे भी डाल देती हूँ। लहसुन अदरक डाल के मैंने अच्छे से भून लिया है। इधर कुछ पिसे हुए मसाले ले लिया है, एक चम्मच ये लाल मिर्च पाउडर है तीखी वाली, आधा चम्मच ये हल्दी पाउडर है, हाफ चम्मच ये गरम मसाला है, दो चम्मच धनिया पाउडर लिया है। मसाले डाल देती हूँ, मसाले अच्छे से भून लेते हैं। हल्का सा पानी डाल देती हूँ ताकि मसाले हमारे जले ना। मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि ये जले ना। अब इसको अच्छे से भून लेते हैं सारे मसाले को। अब ये मसाले हमने 2 मिनट भून लिया है अच्छे से। 2 मीडियम साइज के मैंने टमाटर काट के रख लिया है छोटे पीस में, इसे भी डाल देती हूँ। अच्छे से मिला देते हैं। अब टमाटर के सॉफ्ट होने तक पकाऊंगी सारे मसाले को। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए, मसाला भी अच्छे से भुन जाए। अभी मैंने 2 मिनट भूना था सिर्फ। टमाटर डाल दिए ताकि मसाले भी भुन जाएंगे, टमाटर भी हमारा गल जाएगा। इसको ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। बीच बीच में चला देना है इसको, खोल के चेक कर लेना है ताकि ये नीचे से मसाले लगे ना। टमाटर सॉफ्ट होने तक पका लेती हूँ, उसके बाद दिखाते हैं आपको। मसाले हमारे हो रहे हैं उधर, तब तक के लिए हम लौकी को चेक कर लेते हैं। कुकर मैंने नीचे उतार लिया है, इसकी सारी गैस निकल गई है। अब ये लौकी हमारी अच्छी तरीके से ठंडी हो गई है। मिक्सी के जार में डाल के इसको पीसना है, इसकी ग्रेवी बनाऊंगी। सब्जी को ठंडी करके जब ही पीसना है, पानी समेत इसे डाल देना है सारी सब्जी। अब सारी सब्जी मैंने डाल लिया है जार में, इसे ढक्कन लगा के पीस लेते हैं। बिल्कुल फैन पेस्ट बनाना है। देखिएगा लौकी हमारी पीस के तैयार हो गई है, मैंने पीस लिया है इसे। बिल्कुल बारीक हो गई है, एक भी लौकी साबुत नहीं दिख रही है। कितनी बढ़िया ग्रेवी बनके तैयार हुई है। अब चलते हैं मसाले को चेक करते हैं। टमाटर हमारे सारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब ये जो लौकी की ग्रेवी मैंने पीस के रखा है, इसे डाल देती हूँ इसमें। इसमें कोई काजू नहीं, कोई खसखस नहीं, कुछ भी नहीं डाला मैंने। अब ये जार मैंने धो लिया है, इसमें मसाला लगा हुआ था, थोड़ा सा पानी डाल के धो लिया, डाल दिया है। अब इसे अच्छे से चला देते हैं ताकि ये मिक्स हो जाए। कितनी परफेक्ट ग्रेवी हमारी बनके तैयार हुई। ना तो मैंने इसमें काजू डाला, ना खसखस डाला, ना गरी डाला, कुछ भी नहीं डाला है। ना तो कोई क्रीम डाला है, ना दही डाला है। बहुत टेस्टी सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब ये मिक्स हो गया अच्छे से। अब चलते हैं पनीर को काट लेते हैं। पनीर अभी मैंने काटा नहीं है, ऐसे रख दिया था फ्रिज में। कढ़ाई के नीचे बिल्कुल गैस को स्लो कर देना है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना है। थोड़े से मसाले हमारे पक जाएं। देखिए गाइस, मैंने पनीर को निकाल लिया फ्रिज में से। अब पनीर को हम काट लेते हैं। सबसे पहले बीच से 2 भाग कर लेंगे। अब थोड़ी पनीर हमने काट लिया है, इसी तरीके से सारी काट के तैयार करते हैं। आपको जितना बड़ा छोटा पीस रखना हो अपने हिसाब से कर सकते हो, काट सकते हो। अब पनीर को हमने काट के तैयार कर लिया है, सारे बड़े बड़े पीस में काटा है। आप चाहो तो छोटे पीस में काट सकते हो। पनीर को हम ऐसे ग्रेवी में डाल देंगे, आप चाहो तो फ्राई करके बना सकते हो। अब ये पनीर डाल देती हूँ ग्रेवी में। अब मिला देते हैं अच्छे से। बहुत परफेक्ट ग्रेवी बनके तैयार हुई माशाल्लाह।
अब इसमें नमक डाल देती हूँ। नमक मैंने पहले भी डाला था इसीलिए कम ही डाल रही हूँ। तो एक बार मिला देती हूँ, नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। ऐसा लग ही नहीं रहा कि लौकी इसमें पड़ी है। अब इसमें डाल देते हैं ये शिमला मिर्च और प्याज और हरी मिर्च जो मैंने फ्राई करके रखा, ये सारी चीजें डाल देती हूँ। अब ये फ्राई टमाटर डाल देती हूँ। एक बार मिला देते हैं हल्के हाथ से। अब सब्जी हमारी मिक्स हो गई है अच्छे से। इधर मैंने एक छोटा चम्मच चीनी ले लिया है, चीनी भी डाल लेती हूँ। चीनी डालने से सब्जी का टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चीनी हमने डाल दिया, अब अच्छे से मिला देती हूँ एक बार। बिल्कुल हल्के हाथ से मिलाना है। अब कढ़ाई पे ढक्कन लगा देती हूँ, 5 मिनट के बाद दिखाते हैं। बिल्कुल मीडियम आंच पे पकाना है इसको थोड़ी। देखिए गाइस, सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। मैंने 5 मिनट पका लिया था, गैस को बंद कर दिया था। अब इसे सर्व कर लेते हैं प्लेट में। बहुत टेस्टी सब्जी बनी माशाल्लाह। देखिए गाइस, लौकी पनीर की सब्जी हमारी बनके रेडी हो गई है। बहुत टेस्टी बनी माशाल्लाह। आप लोग एक बार जरूर ट्राई करिएगा। इसमें लौकी की पता ही नहीं चल रहा कि लौकी पड़ी है नहीं पड़ी है। इसे बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। इस तरीके से बनाओगे, आप ट्राई जरूर करना एक बार हमारे तरीके से, आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो हमारी जरा से भी पसंद आई गाइस तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। मिलते हैं गाइस एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।